हेलो दोस्तों, आज बहुत दिन बाद एक बहुत ही अच्छा टिप्स लेके आपके पास आया, जिसको देख के आपका बहुत एक मुश्किल सा जो प्रॉब्लम है वो हल होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखते रहिए और अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो किस बारे में है, मान लीजिए आप ये आपका की जो है वो आप गाड़ी के अंदर आप छोड़ दिया और बाहर से आप लॉक कर दिए, तो आपके पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, दूसरा कुछ सेकंड की नहीं है। तो आप कैसे गाड़ी का की अंदर से आपको निकालेंगे, इसको आपको एक छोटा सा और बहुत ही सिंपल से आपको टिप्स बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो। तो ये मेरा गाड़ी अभी खुला है, आप देखिए ये डोर देखिए पूरा सभी खुला है और पूरा खुला है। अभी मैं इसको सेंटर लॉकिंग से पूरा लॉक कर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे पूरा जो बाकी सब में जो लॉक है ये सभी लॉक है, अभी लॉक है। ये ऑन हो गया, ये लॉक हो गया। अभी मैं की को अंदर डालूँगा और इसको बंद कर दूँगा। ओके, इसके बाद मैं की को कैसे रेस्क्यू किया जाता है मैं आपको दिखाऊँगा। ये की है, वीडियो अनकट रहेगा दोस्तों, आप देखते रहिए। ये की है, इस की को मैं अंदर छोड़ रहा हूँ और सेंटर लॉकिंग भी पूरा लॉक कर दिया और इसको लगा दिया। की देख पा रहे अंदर है, नहीं खोल रहा है, ये भी नहीं खोल रहा है, सभी अनलॉक है, सभी लॉक है। आपको इधर मैं दिखाता हूँ, इधर देखिए सब लॉक है। ओके, अभी मैं इसको कैसे अनलॉक करना है आपको दिखाता हूँ। ये जो विंडोज़ डस्ट कवर है ना, इसको आपको खोलना है। तो इधर तो लॉक है अपना गाड़ी में, इधर से खुल जाएगा। और ये मैंने खोल लिया और अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बढ़िया दिख रहा है आपको, मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं। ये हिलाने से देखिए, आप हैंडल खींचने से इधर से एक तार आता है, आके हैंडल में कनेक्ट होता है और एक तार आता है वो ये लॉक से ना अंदर जाता है। तो अब लॉक वाला जो तार है ना वो नॉब को आपको नीचे जस्ट ऐसे प्रेस करना है, ऐसा 90 डिग्री एंगल में ऐसा आपको प्रेस करना है नीचे। प्रेस करने से ये लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगा, आप देखिए। इसको खाली आपको ऐसा नीचे प्रेस करना, देखिए ये खुल गया लॉक, देखिए लॉक खुल गया। आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा इसको लॉक करता हूँ, इसको लॉक करता हूँ और ये लगाता हूँ। अभी खोल नहीं रहा, अभी देखिए ये जो इसका जो लॉक जहाँ पे कनेक्ट होता है इसको थोड़ा हैंडल को खींच के रखिए, रखने के बाद ये जो लॉक है इसको थोड़ा हल्का सा दबाइए, दबाने के साथ ये खुल जाएगा, देखिए ये आराम से खुल गया। अभी मैं इसको देखिए आराम से खुल गया, अभी मैं इसको खुल के मेरे चाबी को मैं रेस्क्यू कर लिया। ओके दोस्तों, बहुत ही आसानी प्रोसेस है। मैं एक मिनट इसका शीशा डाउन करके आपको दिखाता हूँ कौन सा नॉब जो है मैंने इसको दबाया है। अब क्या देख पा रहा है इधर से, देखिए इसको मैं डाउन कर दिया और ये वाला जो पोर्शन है इसको दबाना है, देखिए उठ रहा है, फिर दबा दिया, फिर उठ रहा है, देखिए अभी देखिए मैं पकड़ लिया, अभी दबाया इसको ऑन कर, देखो बंद कर दिया, फिर दबाया उठ गया, फिर मैं इसको लॉक करो, लॉक कर दिया, अभी मैं इसको दबाएगा ना, देखो उठ गया, फिर लॉक करो, लॉक किया, फिर दबाया, फिर उठ गया। ओके दोस्तों,
ये था दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव टिप्स है, और इसके लिए आप अगर मैकेनिक्स को बुलाएंगे आपसे कम से कम 500 आपको लेगा ही लेगा। तो ये सब चीज़ खुद से आपको गाड़ी में करना आना चाहिए, तो ताकि आपको मैकेनिक्स से बार बार जाना ना पड़े। ओके दोस्तों, अब ये पट्टी में लगाता हूँ और मिलते हैं दूसरा वीडियो में। ओके दोस्तों।